पानी से शुरू होने वाली लड़ाई का भयानक अंजाम। 70 साल शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाकर ली उसकी जान। ऐसे पकड़ता रहा, पिस्तौल का ड्रावा देता रहा, सुनमुखा करता रहा, इसने पिस्टल की मुट्ठी मारी है। मेरे दादा भी बहुत अच्छे से मरते, बड़ा प्यार करते, उनको सजा दी जाए, हमें हमारा इंसाफ मिल जाए। बाबे को पिस्टल के बट मारे, बाबा उधर गिर पड़ा जमीन पे। तो ये लड़ाई, इनकी लड़ाई होगी। कुछ दिन बाद बाबा जाके उसे अस्पताल में ले गए, अस्पताल जाके उसकी डेथ हो गई। ना जानते किड़े वेले का मार के मंडी लै गया, तो उसे जाके बोतल लवा ली सी। अच्छा, आपे मार के आपे मार के आपे ही लै गया। फिर इन्हें मेरे वालिद साहब नू कई मारी, वो इनके पैर की हड्डी कटी गई, तो फिर सर के बच्चे पुठा मार दिया पिस्तौल दिया। पता लगा आपको कि क्या उन्होंने पहले बहाना क्या लगाया था? टैक ही उन्होंने कहा कि टैक हो गया इसे, तो वो उधर हॉस्पिटल भी खुद ही लेकर गए हैं। इधर मंडी समान वाला पहले डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, फिर उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि फिर हुआ क्या, बस यही कहते रहे टैक हुआ टैक हुआ। मारपीट का तो बाद में पता चला, जिस वक्त कसूर थे हमें लोग लाहौर लेकर चले गए ना, फिर लोगों ने बताया कि ये मारा गया इसे। हाँ जी, पाँव पे जो जख्म था वो भी बता रहा था कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा मारा है। अड्डे कटी हुई थी, ये पाँव वाली ना आड़ी कटी हुई थी, हाँ सब कर। अच्छा, जख्म इतना ज्यादा था जी, बताइए। गले में 2-3 कपड़ा डाल के ना, तो गला दबाया था, तो जब गिर बेहोश होके गिर पड़ा तो ना जुबान भी बाहर आ गया, हाथ पाँव ऐसे हो गए थे, नीले हो गए थे। यानी कि अपनी तरफ से उन्होंने इरादतन कत्ल कर दिया? हाँ, कत्ल को खत्म कर दिया था, खत्म कर दिया था। हाँ। और फिर ड्रामा रचाया उसका। हाँ, भी खुद ही गेस्ट को अटैक हो गया, तो खुद ही मंडी ले गए, तो खुद ही ले गए। हाँ, ये जो उन्होंने खुद ही ड्रामा रचाया बचने का, और मकसद सिर्फ ये था कि एक मामूली सी बात को जो है उसका इशू बनाकर किसी की नाहक जान ले लेना। जो ड्रामा रचाया, ड्रामा खुला कैसे सारा? ये ड्रामा ऐसे खुला कि मेरे वाले साहब पानी लगाने गए, मेरे वो कोई लगती है उसने पानी लगा के आ रहा हूँ उधर मेरा अबू गया उसकी मेरी पुप्पो का हिस्सा था इनकी मोटर में। उधर हमारा जमीन को पानी जरा ऊपर लगता हमारी मोटर का, मेरे अबू ने वो भी मोटर चलाई हुई है, इनसे पूछा, उसने ये कहा कि गाल दिया आन की गंदी। मेरे अबू ने कहा कि मैंने आपको कुछ कहा नहीं है। मेरे अबू तो दोस्त का भतीजा जो, उसको पानी पूछा, उसने कहा कि भाई एक ही पौंकदा है पंजाबी च। मेरे अबू ने कहा भी मैं तेरे नाल गल की थी, मेरे नाल गल कर, मैं मालिक हाँ, इसकी सुसर की मोटर का हिस्सा, इसका जाती भी नहीं है। उसके बाद मेरे वाले साहब ने हमारी मोटर जिसके बारी थी वो बंद थी, क्योंकि आजकल पानी की बहुत शार्ट थी कि जरूरत नहीं थी गंदम। मेरे अबू ने वो मोटर ख़राब थी वो बन गई थी, मेरे अबू ने वो चलवाई है। उधर से इसने कहा कि भी मोटर मैं मालिक हूँ। मेरे अबू ने इसको कहा कि आपका एक घंटा पानी है, मैंने आज के बाद आपको इधर घंटा कभी ज़्यादा ऊपर नहीं लगने देना, हमारा उधर इस मोटर में हमारा 13 पानी है, हमारी जो मोटर है। इसने उस मेरे अबू से लड़ाई करनी शुरू कर दी, एक दफ़ा गल पे फिर इसने छुड़वा दिया, दोस्तों ने छुड़वा दिया, उधर 3-9 लोग थे मौजूद मौके पर, उधर छुड़वा दिया। उसने कहा कि जब भी तुम इसका पानी बानो, मेरा मामू लगता वो भी, उसने भी हमें बताया बाद में, वो पानी लगाने चला गया। उसके बाद फिर इसने मेरी खाला के पास लड़ाई करता रहा, इसका वालद कोल बैठा हुआ था, मेरे वालद को कहता है इसकी लातें काट दो, उसने मेरे वालद को कई मारी है पहले। किसने कहा टांके काट दो? इसके वालद ने, मजीद के वालद ने, बकौल आपकी ये। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे वालद ने मोटर लगाई, इसने मेरे वालद का पानी लगा हुआ, सारी जो मलकियत मोटर है 13 पानी है उसका, इसने बटन बंद किया, इसने मोटर बंद कर दिया। मेरे वालद साहब ने साइकिल पकड़ी अपनी, घर आने लगा, इसने उसको रास्ते में डाल लिया। किसी ने छुड़ाया नहीं? किसी ने छुड़ाया नहीं, तो मारदा रहा, छुड़ाया मारदा रहा। और मेरी जी मामे की बेटी है वो छुड़ा दी रही है, जो मेरे अबू के मामे की बेटी वो छुड़ा दी रही है, वो औरत सी, दूजे बंदे जो कोई भी नेड़े नहीं आ रहा, उन्होंने छुड़ाया छुड़ाया। तो यह वैशी दरिंदा बनया रहा, इन्हें खुद ही उत्थे जरा ना। किस तरह मारिया थोड़े वाले? मेरे वाले साहब ने गल च कपड़ा सी, इन्हें कपड़े न गर्दन दबाई, फिर पिस्टल सी इन्हें हाथ पिस्टल मारदा रहा, फिर इन्हें मेरे वाले साहब न कई मारीए, वो इनके पैर की हड्डी कटी गई, तो फिर सर के बच्चे पुठा मार दिया पिस्तौल दिया, फिर खुद ही आप ही डॉक्टर साहब को लगाया नहीं, जिसलिए मेरे अबू की मामे की बेटी ने रौला पाया भी इन्हें मार दिता ही, इन रान पै जा एड्डी वड्डी, तो तू इन्हें मार दिता, इन्हें बचा ला कि ला जा, इन्हें वो खुद ही मंडी लगया है डॉक्टर साहब को, उत्थे उन्होंने बोतल लवाई अद्धी, फिर मैनू इन्हें कॉल की
मैं उत्थे गया, मैं जाके वेख्या मेरे अबू की जी गर्दन वो सुजी हुई है, तो मैंने कहते जी डिगया है उत्थे खूते अटैक होया। असी आख्या भी मेरे अबू का हूँ रिश्तेदार है, मामू का बेटा है, तो शायद इस तरह ही जिम्मे गल करता पै ठीक है। सानू इन्हें मेरे छोटे भाई ने बहा लिया, इन्हें मैनू भी नाल नहीं बहन दिता गड्डी, इन्हें 15 से खुद की कॉल की है, रेस्क्यू वाली गड्डी आई 112 वाले की, इन्हें उन्होंने बहाया, मेरी अम्मी गई है, मेरा वड्डा भाई गया, इन्हें कहा नहीं असं लै जाने तुम रहन दौ, ये डिग्या उत्थे तो कोई मसला नहीं आ। असी घर आ गए इतने भी अबू मेरे कपड़े सारे लिबड़े हुए सन, तो असी घर आ गए, असी आख्या भी चलो असी पिछों जाने, मगर साढ़े जाने तो पहले असी कसूर नहीं अपड़े, उस तो पहले इतों गड्डी लैके रेस्क्यू की गड्डी भी अजे नहीं पहुँची, ये उस तो पहले आपकी प्राइवेट गड्डी तो उस तो पहले अपड़ गया, इन्हें उतों रेस्क्यू वाली गड्डी है जो पिछे ही है, तो ये उस तो पहले हॉस्पिटल चपड़ गया, इन्हें जाके उसे डॉक्टर नाल पहले गलबात कर ली, जिस तरह मरीज आता पाया तो वो नहीं ठीक, तो उन्हें तुम इन्होंने उतों जाके खुद ही आप लाहौर में रैफर कराया, उन्होंने लिखाया जी इन्हें अटैक होया उ डिगे ने, तो इन्होंने अटैक होया, इन्होंने खुद ही आप कोई जिक्र ही नहीं किया। खबर आई कार सानू खबर तो शान दिन का वाकया है, ना जाने के वेले का मार के मंडी लै गया, तो उसे जाके बोतल लवा ली सी। अच्छा आपे मार के आपे लै गया? आपे मार के आपे ही लै गया। अच्छा तो फिर जो असी मगर गए सानू तो शान हुई हली तो पता लगा, तो जो मगर गए तो फिर सानू मैनू बाहो फड़ के गड्डी दे नेड़े भी नहीं जान दिता, आपे ही गड्डी मंगा ली सी, आपे ही पा लिया, मैं अगे लगी मैं गड्डी हाथ पा लिया भी मैं चढ़ दी, मैनू नहीं चढ़न दिता, नहीं तू पाजी घर चल असी वेखना लैके चले जाओ, मैं आख्या रिश्तेदारी है तो चलो कोई नहीं कोल जी है, तो फिर की हो गया, चलो लैके चले ने तो फिर आए साडा, तो सानू हुण की पता भी इहनू अटैक होया चुक के लिया जां मार के लिया, वो तो बाद ते फिर पता चलिया भी बच्चे खेडते फिरदे सी उत्थे क्रिकेट, जिहड़े वेखना भाईवाल सन ते उहनां नूं इल्ला जांदा इहने की दाबा लाया, वो तो वेखना फिर सारे कठे हो गए वेखन लग पे, फिर उन्होंने मुंडिया ने आन के दसिया कि बाबे मारिया, एडा बाबा भी नहीं सीगा चंगा भला माशाला जवान सी, साडे सारे बच्चों का घर का सारा उन्हें सरगट चल आंदा सी, कोई वेखना सारी दिहाड़ी वह तो थकता ही नहीं सी, ना वो बहिंदा सी, बस कभी खूह ते आया दो खूह ते वाही सी, कभी उधर लगा जांदा कभी उस खूह ते लगा जांदा, ते वेखना सारा कारोबार साडा उंदे सिर ते सी, साडे सारे बच्चे पै पालदा सी, अजे हुण मेरे पोतरियां पोतरा नूं अज 7 महीनिआं ते उत्ते कुछ दिन हो गए ने, ते अजे मेरा पोतरा पिआ आखे सानूं नहीं पता सानूं मैं रब्बा लिया के दिओ। सारे वाकिए का आपको कब पता चला जी, और कितने लोगों ने आपके वालिद को मिलके मारा जी? मुझे 11 बजे शाम 11 बजे पता चला कि ये इसको लड़ाई हुई है इसके साथ। अच्छा तो मुझे फ़ोन जब किया, जब कसूर लेके गया वो कह रहे थे अटैक हुआ इसको। अच्छा वो 7-8 आदमी थे, मैं अकेला था, तो वो 7-8 आदमी मुझे उन्होंने कहा कि तो अपने अबू के पास खड़ा रहो, हम ये जो है अभी लिख पढ़ कर रहे हैं आपको रेफर कर रहे हैं लाहौर। अच्छा। लाहौर लेके जाना, यहाँ इसका इलाज नहीं हो सकता। तो मैं अबू के पास खड़ा हूँ, तो इन्होंने जो अंदर गए उन्होंने जाके सिविलिंग अटैक लिखा दिया जी। 2 दिन बाद भाई वापस आया, बड़ा इनके पास भी, डॉक्टर साहब हमें नतीजा चाहिए, हमारे वाल साहब से लड़ाई हुई है। डॉक्टर साहब ने बोला कि जो मैंने लिख दिया मैंने वो लिख दिया, मैं अभी ये कैंसिल नहीं कर सकता।